हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे राजस्थानी सुपरहिट लोकगीत जहाज भाई ने जोवन दे। तो काफ़ी बढ़िया सॉन्ग है, तो मैं आपको इस गाने को म्यूजिक के साथ बताऊंगा कि आप इस धुन को आप पियानो के ऊपर किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके बताऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग की ट्यून है वो कुछ इस तरीके से। हाँ तो इसके बाद में गाना शुरू होता है। इसके बाद में फिर से अलग से म्यूजिक डिफरेंट म्यूजिक प्ले होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी मैंने आपको स्टार्टिंग की ट्यून बताई थी वो एक बार फिर से बजा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप इसको अपने पियानो के ऊपर किस तरीके से बजा सकते। ओके, एकदम इजी है। तो किस तरीके से इस सुर को हल्का सा टच करना है। अगर आपसे टच करना नहीं बनता है तो आप नॉर्मल सिंपल भी प्ले कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में इसका जो गाना शुरू होता है वो इसमें अगर आप हल्का हल्का साइड में बटन को प्रेस को टच करते रहोगे तो जो वेरिएशन बनेगा वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर है, शुरू से सीख रहे हैं, तो आप एक बार वन वन स्टेप करके एक एक की से ही बजाइए तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा और धीरे धीरे आगे की तरफ आप उससे बढ़ोगे। किस तरीके से एक बार ये मेन लाइन है, इसको ध्यान से देख लेना, एकदम इजी भी है। जहाज भाई ने जोड़ दे। ओके, एकदम इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड इसमें था नहीं। तो जो इसके बाद में जो आगे है वो एक म्यूजिक प्ले होता है वो कुछ इस तरीके से।
एकदम इजी है, इसमें भी ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। फिर इसके बाद में वापस वो झाझवाई वाली ट्यून चालू होती है। यही सेम धुन इसके अंतरे में है, इसके मुखड़े में है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही मेन धुन इसमें प्ले होती रहती है। और म्यूजिक आपकी जो मर्जी आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं आप ओरिजिनल म्यूजिक ही डालो, आप जो अपना डिफरेंट जो भी आप कर सकते हो। हाँ तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। अगर मेरे से कुछ भी बजाने में भूल चुक हुई होगी हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एडजस्ट करके प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे सामने स्टैंड रखा है तो फिंगर टच हो जाती है, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव या रिक्वेस्ट हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके भी जरूर बताएं, मैं उसको पूरी करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।